अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम बना रहे हैं कलेजी और बिरयानी मसाला। कलेजी मैंने पहले धो के लहसुन और सिरके के साथ रख लिया, तो झटपट अब बनाएंगे हम। ये उन खवातीन और बच्चियों के लिए जो काम पे जाती हैं और टाइम को बचाना चाहती हैं। तो पहले हम डालेंगे, दोनों जगह पे हमने ऑयल तकरीबन गर्म कर लिया, तो ये हमने डाल दिया दोनों जगह। मैंने ना प्याज को ग्राइंड कर लिया था, ये देखें हमने इकट्ठे ही दोनों जगह पे रख लिया है। इकट्ठा इनको भूनेंगे मसाले को। ये आपकी एनर्जी को भी सेव करता है और आपकी टाइम को भी बचाता है, वो टाइम जो आप दे सकती हैं अपने हस्बैंड को, बच्चों को, अपने आप को, अपने लिए। ये जल्दी जल्दी हम करेंगे इसको, खोते ही करना है, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना कलेजी वाले को। तो ये भी साथ साथ हो रहा है, एक ही कर सकती हैं आप मसाले को बना के डिवाइड कर सकती हैं, लेकिन मैंने अलहदा अलहदा चूल्हे पे रख लिया है। ये देखें ये बिरयानी मसाला बन रहा है इधर, और इधर साथ में मैं कलेजी भी कर रही हूँ। थोड़ा सा ही हमने ऐसे बस इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए बस प्याज की, तो फिर हमारा ना ये कलेजी में मैंने क्योंकि थोड़ा सा प्याज डाला है, साथ में जीरा डाला है, ऑयल गर्म करके थोड़ा सा जीरा डाल के तो फिर प्याज डाल दिया। प्याज मैंने थोड़ा सा, कलेजी भी थोड़ी सी है तो हमने मसाला भी थोड़ा ही बनाना है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा करना चाहती हैं तो ज़्यादा कर लें। ये साथ साथ मैं बिरयानी मसाला भी बता रही हूँ आपको। बिरयानी मसाला अगर आप जल्दी बनाना चाहती हैं तो नेशनल का बिरयानी मसाला ले आएँ, उससे आप जल्दी बना लेंगी। लेकिन आप घर के जो मसाले हैं वो भी ज़रूर डालिएगा। बिरयानी मसाला तो आप एक या दो चम्मच वो स्मेल के लिए आप डाल सकती हैं जल्दी अगर आपने बनानी है, वरना तो बादियान का फूल भी डाल देने से वो स्मेल तो बिरयानी की आ ही जाएगी। ये हो गया हमारी कलेजी, हो गई है कलेजी का मसाला, प्याज हो गए हैं और बिरयानी का जो है वो हो रहा है। ये देखें ये हो गया थोड़े से ब्राउन। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये भी मैंने पीस के रखा हुआ है। बिरयानी में हम बिरयानी मसाला में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो चम्मच भर के डालेंगे। ये हमारा तकरीबन मसाला बन गया। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भुना हुआ जीरा, पिसा हुआ भुना हुआ जीरा, ये पिसा और भुना हुआ सूखा धनिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये गरम मसाला थोड़ा सा मैं डालूँगी, आधी चम्मच सूरत मिर्च है, एक चम्मच नमक हम सबसे एंड में डालेंगे कलेजी में। ये मैंने काट के रखे हुए टमाटर वो भी डाल रही हूँ इसमें। ये साथ में हमारा बिरयानी मसाला भी हो रहा है। ये तकरीबन तैयार हो गया हमारा बिरयानी का मसाला, कलेजी का मसाला, साथ में बिरयानी का मसाला भी हो रहा है। ये देखें ये मैंने कलेजी को लहसुन के कुटा हुआ लहसुन डाल के लहसुन का पानी उसके साथ धो लिया था सिरके के साथ। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी,
ये बड़ी जल्दी बनने वाली रेसिपी है उन बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए जो काम पे जाती हैं। ठीक है, अब हम कलेजी को उतनी देर तक करेंगे जितनी देर तक इसका रंग चेंज नहीं हो जाता। ये साथ में बिरयानी का भी हो रहा है, इसमें मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया था। ये हमारी कलेजी तैयार हो गई है जी, रंग उसका चेंज हो गया। ये देखिए, साथ में बिरयानी मसाला ये भी तकरीबन तैयार है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, दो प्याले चावल हैं तो इस हिसाब से मैं डालूंगी 2 चम्मच मरीच, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी डाल देंगे। ये हल्दी मैंने इधर इसमें कलेजी में भी डाल दी है, सूखा धनिया, ये 1 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, ये देखें कलेजी हमारी रंग बदल गया। अब इसका अब मैंने सिर्फ इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, साथ में ये कलेजी का जो मैंने बताया था आपको बिरयानी का सॉरी वो भी साथ साथ हम कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं चला रही हूँ ताकि मसाले जो हैं वो गले ना। साथ इसमें हम डाल देंगे टमाटर, कटे हुए टमाटर 2 अदद टमाटर है दरमियाने साइज के। अब ये इसमें मैं थोड़ी सी देखी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलेजी में, अभी तक हमने नमक नहीं डाला। ठीक है, ये देखें साथ साथ हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए, ये फटाफट बन जाती है। आपने अगर इस तरह सारी तैयारी करके रखी है तो जल्दी जल्दी बन जाएगी। ये देखें कलेजी हमारी तकरीबन तैयार है। अब इसको हम छुरी से देखेंगे, जितनी देर में बिरयानी मसाला बना है ये हमारी कलेजी देखें बिल्कुल तैयार है, खून भी नहीं है तो गल भी अच्छी तरह से गई है। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, ये नमक चला गया, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए। बस 1-2 चम्मच पानी डाला मैंने ग्रेवी,
हो गई है। अब ये चूल्हा हमारा बंद हो गया। ये अब हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, थोड़ा सा इसमें मसाला भी हो गया, पानी डालने से थोड़ी सी ग्रेवी सी भी हो गई। अब मैं ये चूल्हा ऑफ कर रही हूँ, ये बंद हो गया, ठीक है। ये देखें, फटाफट हमने बना लिया। अब मैं आपको बिरयानी मसाला साथ बता रही थी, वो भी तकरीबन तैयार है। बस इसमें हमने खुशबू के लिए अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो एक दो चम्मच बिरयानी मसाला नेशनल वालों का वो ऐड कर ले, मैं एक चम्मच ही ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसमें वो डाल दिया बाद ध्यान कर थोड़ा। ये हरी मिर्च है, ये भी हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी। अब इसको मसाले को भूनेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन। ये तकरीबन एक किलो चावल है, एक किलो ही हमने चिकन लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब थोड़ी देर इसको करेंगे, चम्मच चलाएंगे ताकि ये मसाला जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारी जो मुर्गी है वो भी खुश हो जाए कि सारा मसाला जो है वो इसके अंदर आ गया। ये देखें, गजब हो गया सारा मसाला। अब मुर्गी बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, आप भी ट्राई करें। और ये फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया ये गार्निश के लिए, तो ये मैं आप हल्दी के ऊपर डाल दी करेजी के ऊपर। ये हमारी तैयार है, थोड़ा सा धनिया इसमें भी जाएगा। आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें। देखें, घर में ही आप बना सकती हैं। ये मुर्गी का मसाला बन गया, तकरीबन हमारा तैयार है। देखें कितनी जल्दी फटाफट दोनों आंडियां बन गई। मैं वर्किंग वूमेन तो नहीं हूँ, लेकिन एक किस्म की वर्किंग वूमेन ही समझ लें कि बच्चों को लेने जाती हूँ स्कूल। माशाल्लाह चार बच्चे हैं मेरे, तो बारी बारी लेने जाना पड़ता है, किसी को स्कूल कॉलेज, किसी को यूनिवर्सिटी। तो इस वजह से ना समझ ले मैं भी वर्किंग वूमेन ही हूँ, तो मुझे फटाफट काम करना पड़ता है ताकि बच्चे जब घर आए तो वो बजाय बाज़ार का खाना खाने के अपने घर का खाना खाएं। तो मैं आधी तैयार करके चली जाती हूँ बच्चों को लेने, बाकी जो है वापसी पे आधा तैयार करनी, ठीक है। ये देखेंगे हमारा चिकन बहुत मज़े का तैयार हो गया। अब हमने इसमें डालना है, दो चम्मच हम डालेंगे इसमें दही के। उसके लिए हमें पहले ना चूल्हा आस्ता करना पड़ेगा। ये देखें, छोटा चम्मच है दही का, पानी जल्दी जल्दी खुशक नहीं होता। बस ये इतना डालेंगे कि फटाफट से ना चिकन भी इसमें गल जाए और दही का पानी भी जल्दी जल्दी खुशक हो जाए। ये मैंने आधा डाला है, आधा प्याला, ठीक है। जल्दी जल्दी अब हम इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने आस्ता कर लिया था क्योंकि अगर चूल्हा तेज़ हो तो दही फट जाता है, ठीक है। अब इसको ये दही और टमाटर जो थे वो डाले थे, उनके ही पानी में हम अपने चिकन को खुशक करेंगे। और इसी पानी में हमारा जो है ना चिकन गल जाएगा। तो ढकना रखने से पहले मैं जो ये मसाला साइडों पे लगा हुआ है उसके लिए दो घूंट पानी डालूंगी। एक तो चम्मच से उतर जाएगा और दूसरा ये, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना इसमें, ठीक है, दो घूंट पानी बस। अब मैं इसको ढक दूंगी। आंच हमने दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा स्लो होगी ना ज़्यादा तेज़ होगी, जिससे हमारा चिकन जो है वो दही का पानी और जो उसका अपना पानी है और जो टमाटरों का पानी है उनसे ही गल जाएगा।